अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हम सब साथ आए हैं ताकि हम उसकी आराधना कर पाए और उसको जय जयकार के गीत उसके सामने ला पाए, क्योंकि क्योंकि हम सब बने ही इसलिए कि हम परमेश्वर की आराधना कर पाए। आमेन। उपस्थिति में आए हैं। आमेन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। हालेलुया।
उसके दरबार में सब आ सकते हैं, है ना? चाहे वो जैसा भी हो, परमेश्वर कहता है उसको मेरे पास आने दो। हालेलुया। वो हमारी दृढ़ चट्टान है। मैं भजन संहिता 18 कहता है, उसने कहा यहोवा मेरी शक्ति है, मैं तुझ पर अपनी करुणा दिखाऊंगा। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थल है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। मेरे साथ बोले, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। फिर से बोलेंगे, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। मैं तेरी शरण में आया हूँ। हालेलुया। आइए जब हम अगला गीत गाते हैं, क्यों ना परमेश्वर को उस धन्यवादित हृदय के साथ परमेश्वर कहे, परमेश्वर धन्यवाद, आप मेरी चट्टान है परमेश्वर।
परमेश्वर उस परिस्थिति से ऊपर है, उस बीमारी से ऊपर परमेश्वर है। वो बीमारी परमेश्वर ने दूर कर दी है, उसके नाम से वो बीमारी दूर हो चुकी है। Foolishly do mistakes. कई बार मूर्खता से हम कुछ गलतियों को करते हैं. Foolishly we speak things that hurt
the name of Jesus. कई बार मूर्खता के संग हम कुछ ऐसी बातों को बोल देते हैं या करते हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को हानि पहुंचाता है. Because a believer's speech has to be refined. क्योंकि एक विश्वासी की जो भाषा शैली है वो शुद्ध होनी चाहिए. And refined by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध की जानी चाहिए. Amen. Now, by salvation we receive eternal life. और उद्धार के द्वारा हम अनंत जीवन को पाते हैं. इको हो रहा है. Salvation is, as you know, one-time experience. और जो ये उद्धार है, ये एक बार का अनुभव है. And thus we are born again. और उसके द्वारा हम एक नए जन्म को पाते हैं. But after that, लेकिन उसके पश्चात, there is another work. एक और दूसरा कार्य है. That the Holy Spirit does. जो कि पवित्र आत्मा करता है. What is it? और वो क्या है? Sanctification. वो है शुद्ध किए जाने का काम. And in many believers' life, that sanctification work is not happening. और कई सारे विश्वासियों के जीवन में वो शुद्ध किए जाने की जो प्रक्रिया है, जो काम है, वो नहीं हो रहा. Do you believe? क्या विश्वास करते हैं? Yes, I believe. मैं तो विश्वास करता हूँ. Are you born again? क्या आप नया जन्म पाए हुए हैं? Yes, I am born again. हाँ, मैं नया जन्म पाया हुआ हूँ. Then why are you speaking bad? तब क्यों आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं? You are not teachable. और आपको शिक्षा नहीं दी जा सकती, सिखाया नहीं जा सकता. No one can correct you. और कोई आपको अगर गलती हो तो सुधार नहीं सकता. And you speak bad words. और आप गलत शब्दों को बोलते हैं. Why is that? ऐसा क्यों है? As a pastor, you know, I try my best, but sometimes it happens. और पासवान में कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ बार ये हो जाता है. You know why? आपको पता है क्यों? That means he's a saved person, baptized person, but not submitted himself to the Holy Spirit's work of sanctifying. लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ है, बचाया हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसने अपने जीवन को पवित्र आत्मा के शुद्ध किए जाने का जो काम या प्रक्रिया है, उसमें समर्पित नहीं किया. It is through the sanctification that the Holy Spirit helps us to remove all those unwanted growth in us. और ये शुद्ध किए जाने की प्रक्रिया ही है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में उन बातों को काटता और छाटता है जिनकी आवश्यकता नहीं है. So I told you that much because every believer must realize that in Christian life there is a continuous work of the Holy Spirit that goes on in us. और इसलिए मैंने आपको ये बात बताई क्योंकि हर एक विश्वासी को ये जानना और समझना जरूरी है कि मसीही जीवन में शुद्ध किए जाने की एक प्रक्रिया निरंतर चालू है. And we must consciously allow the Holy Spirit to convict us of anything that we do wrong. और एक सही विवेक के साथ हमेशा हमें तैयार रहना है कि हम पवित्र आत्मा को ये अनुमति दें जब भी हम कुछ गलत करें और वो हमें सही करना चाहे. It is not enough to receive a new life. और सिर्फ एक नया जीवन पाना ही काफी नहीं है. But the new life has to be maintained. लेकिन उस नए जीवन को हमें बना करके चलना है. And remember that. और इस बात को हमें याद रखना है. That new life always must look fresh. एक नए जीवन को हमेशा एक ताजा जीवन दिखना चाहिए. And don't allow the things of this world to corrupt us. और इस संसार की जो बातें हैं उनसे हम उन्हें ये अनुमति ना दें कि वो हमें दूषित करने पाए या अशुद्ध करने पाए. So you know what it means? इसका मतलब आपको पता है क्या है? It means living a holy life. इसका मतलब है एक पवित्र जीवन जीना. So I want to talk to you something about what it means to live a holy life. और इसलिए आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय में कि एक पवित्र जीवन जीना किस विषय में है.
So we are going to read a few passages. और कुछ वचनों को हम बाइबल से पढ़ेंगे. This is a Bible lesson. और याद रखिए, बाइबल से एक शिक्षा मैं आपको दे रहा हूँ. And I want you to listen very carefully, study. और मैं चाहता हूँ कि आप बड़े सावधानी और ध्यान पूर्वक इस शिक्षा को सुने. And I pray that the Holy Spirit will enlighten us. और मेरी प्रार्थना ये है कि पवित्र आत्मा हमारे मन और हमारे दिमागों को प्रकाशित करेगा. You want to learn, isn't it? हम सीखना चाहते हैं. See, unless you learned, you cannot live a practical Christian life. और जब तक आप सीखना नहीं चाहेंगे, तब तक आप एक स्वाभाविक मसीही जीवन नहीं जी सकते. Okay, let us turn in our Bibles to 1 Thessalonians chapter 4. और आइए हमारे बाइबलों में हम पहला तसलोनियों की पत्री उसके चौथे अध्याय की ओर बढ़े. You know where you find this? क्या आपको पता है ये पत्री कहाँ पाई जाती है? Thessalonians या Thessalonians का What does Thessalonian mean? और ये Thessalonica का क्या मतलब है? Thessalonica was a Roman city. और ये जो शहर है जिसका नाम Thessalonica है, ये एक रोमीय साम्राज्य की एक शहर था. And in that city, और उस शहर के अंदर Apostle Paul went and Timothy also with him and evangelized. और पौलुस के संग तिमोथी उसने दोनों लोगों ने मिलकर सुसमाचार का प्रचार किया. He could not stay there for a long time. और वो उस कलीसिया में लंबे समय तक नहीं रह सका. That city has not received the gospel before. और इस शहर ने सुसमाचार को पहले ग्रहण कभी नहीं किया. So they did not know anything about Jesus. तो उन्होंने कभी भी यीशु मसीह के विषय में कुछ नहीं सुना. They did not know anything about eternal life. और अनंत जीवन के विषय में भी वो कुछ नहीं जानते. They did not know what salvation is. और वो ये भी नहीं जानते थे कि उद्धार क्या है. And so in such a situation, और एक ऐसी परिस्थिति में, how do you evangelize them? तो कैसे आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे? Preaching the gospel of Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार. What is that gospel? और वो सुसमाचार क्या है? Jesus Christ being God. कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर ठहरने पाए. And God has no form. और परमेश्वर का कोई रूप, कोई संरचना नहीं. Because God is a spirit. क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है. But this Almighty Creator God took upon Himself a human form, a body. लेकिन इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने देहधारी होकर एक मनुष्य रूप को हमारे लिए धारण किया. He came in the flesh. वो इस देह में, एक शरीर में यहाँ पर आया. And lived among us. और हमारे बीच रहा. Amen. Amen. For what? किस लिए? To give us light. ताकि हमें जीवन को दे. We all were children of darkness. हम सब अंधकार की संतान थे. But he came to bring light. लेकिन वो आया ताकि ज्योति को हमारे लिए लाए. And with the good news. और एक सुसमाचार के साथ. And why did he come? और वो क्यों आया? He came to be a lamb. और वो आया कि एक मेमना होने पाए. To be sacrificed. जिससे बलिदान किया जाएगा. For the sins of the world. ताकि वो संसार के पापों के खातिर बलिदान कर दिया जाए. All of us are sinners. और हम में से हर एक पापी है. No one is righteous. और याद रखिए, हम में से कोई भी धर्मी नहीं है. All people have broken the laws of God. क्योंकि हम में से हर एक ने परमेश्वर की व्यवस्था या उसके कानूनों को तोड़ा है. And according to Hebrew chapter 4 verse 12 says. और इब्रानियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 12वें वचन अनुसार. There is no salvation. और उद्धार है ही नहीं. Under heaven. स्वर्ग के नीचे. Among men. मानवता के बीच में. Except the name of Jesus Christ. सिर्फ यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही. Amen. Amen. Why? क्यों? He came for the whole world. क्योंकि वो पूरे संसार के लिए. He did not come for Christians. और वो सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया. Because when he was born, there was not even a single Christian here on earth. क्योंकि जब वो यहाँ पर उसका जन्म हुआ, इस पृथ्वी पर एक भी ईसाई मौजूद नहीं. You must understand that. आपको इस बात को समझना है. So Christ is not a Christian's God. और याद रखिए, मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं. He is the God of the whole universe. लेकिन वो तो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है. He is the Creator. और वो सृष्टिकर्ता है. He is the God of every
every man, mankind. और वो हर पूरी मानवता का परमेश्वर है. So every member of human race can find salvation only in Jesus Christ because only He came to be a sacrifice for the sins of the world. और इसी कारण मानव जाति की हर एक गोत्र हर एक भाषा का व्यक्ति उसके नाम के द्वारा उद्धार पा सकता है क्योंकि वो पूरी मानवता के उद्धार के लिए आया. Hallelujah. Jesus is my Lord and Savior. और यीशु मेरा प्रभु और उद्धार करता है. सब लोग बोलिए और तेज और ऊंची आवाजों से बोले. यीशु मसीह मेरा उद्धार करता परमेश्वर है. हालेलुया. क्योंकि वो ही मेरे लिए बलिदान हुआ. So he died, he came for the whole world. और इसलिए वो पूरे संसार के लिए आया. And he died for everyone. और वो हर एक के लिए उसने अपने जीवन को दिया. For all have sinned. और हमारे सारे पापों के लिए. And come short of the glory of God. और क्योंकि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से गिर गए. In God's sight. परमेश्वर की नजरों में. There is no Hindu, no Muslim, no Christian, no Catholic, no Protestant, nothing like that. परमेश्वर की नजरों में तो कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई नहीं और कोई कैथोलिक या कोई ऐसा कोई भी संस्था नहीं. The entire humanity is divided into two. पूरी मानवता को सिर्फ दो भागों में बांटा है. Those who are saved and found a new life in Jesus Christ. वे जो पहले जो बचा लिए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह में नए जन्म को और जीवन को पाया है. They are on one side. और वो एक तरफ है. And the rest of mankind is on the other side. और जो बची हुई मानवता है वो दूसरे तरफ है. Who have rejected. जिन्होंने उसका इनकार किया. Because the Bible says. क्योंकि बाइबल बताता है. For God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. It does not say for God so loved the Christians. उसने ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने ईसाइयों से ऐसा प्रेम किया. There was no Christian. क्योंकि उस समय कोई ईसाई थे नहीं. There was one world. क्योंकि सिर्फ एक ही संसार था. The world of people. और जो संसार था लोगों से भरा हुआ. And they are lost. और वो खोए हुए थे. And a loving God. और उस प्रेम करने वाले परमेश्वर so loved us. उसने हमसे ऐसा प्रेम किया. That he himself decided to come. कि उसने इस बात को निर्णय ले लिया कि वो खुद इस पृथ्वी पर आ जाएगा. And took upon himself a human body. और अपने आप को देहधारी किया. And became a sacrifice. और हमारे लिए एक बलिदान बन गया. Through the sacrifice of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा. Salvation is provided for everyone who choose to believe in Jesus Christ. हर एक के लिए उद्धार संभव हो गया जो इस बात को चुनता है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा. Blessed are those who chose to believe in Jesus. और धन्य है वे जिन्होंने इस बात को चुना कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे. There is no condemnation for anyone who is in Jesus Christ. और इसलिए अब जो प्रभु यीशु मसीह पर है उसका न्याय का कोई दंड नहीं. I want you to know this. और मैं चाहता हूं आप इस बात को जानें. It does not say blessed are those who there is no condemnation for those who are Christians. और ऐसा नहीं लिखा है कि धन्य है वे या उनके लिए दोष नहीं ठहराया गया जो ईसाई हैं. Please understand. कृपया करकर इस बात को समझें. Because I was born in a Christian home. क्योंकि मेरा जन्म एक ईसाई या मसीह परिवार में हुआ. That did not make me a Christian. वो बात मुझे एक मसीह नहीं बनाता. I am like any other heathen. मैं भी एक किसी दूसरे मानव के समान हूँ. Hallelujah. Hallelujah. But what does it say? लेकिन वहाँ पर कहा There is no condemnation in those who are in who? हाँ बोलिए ना. और लेकिन इस प्रकार लिखा हुआ है. क्या लिखा है? उन पर ऐसा कोई दोष नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में है. इसमें है यीशु मसीह में है. Not those who are Christians. और ऐसा नहीं लिखा है कि वे जो ईसाई हैं. That kind of Christians are no different from any other heathen. क्योंकि ऐसे लोग किसी दूसरे मनुष्य से कुछ अलग नहीं हैं. So what is Christianity? तो इसलिए ये ईसाईयत है क्या? Christianity is Christ in you. और ईसाईयत या मसीहत है प्रभु यीशु जो आपके भीतर है. The hope of glory. जो कि उस महिमा की आशा है. Hallelujah. Hallelujah. There is a Christian religion. और इसलिए एक मसीही धर्म है. Then there are Christianity which is
Christ living in us. और उसके बाद एक है मसीहत जो कि यीशु मसीह जो हमारे जीवन में वास करता है. Is Christ living in you? क्या आपके भीतर यीशु मसीह वास करता है? How many of you say Christ is alive in me? आप में से कितने इस बात को कह सकते हैं मेरे भीतर यीशु मसीह जीवित है? Hallelujah. Hallelujah. हम एक अंग्रेजी कोरस गाते हैं, alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive in me. Sing hallelujah, sing hallelujah. Jesus is alive in me. और एक अंग्रेजी गीत का शीर्षक इसी प्रकार है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे भीतर जीवित है इसलिए मैं हालेलुया गाऊंगा. That is Christianity. और यही है मसीहत. So Christianity is a relationship. और इसलिए मसीहत है एक रिश्ता. Relationship with Jesus. रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के संग. Amen. Amen. Now this you cannot enter into that relationship unless God Himself work in you and make you aware of your need of a savior. और आप तब तक इस रिश्ते में नहीं जुड़ सकते या इसका भाग बन सकते जब तक खुद परमेश्वर आपके भीतर आपको जागरूक ना करे, ये बताए ना कि कितनी जरूरत आपको इसकी है. So that is his grace. तो ये उसका अनुग्रह है. Thank God for bringing that awareness within me. और इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने ये जागरूकता मेरे भीतर लाया. That is his grace. ये उसका अनुग्रह है. So thank God for his grace. और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के लिए. We all lift up our hands and thank God for his grace. और आइए हम सब हाथ उठाकर परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपकी अनुग्रह के लिए धन्यवाद. Thank you Jesus for your grace. धन्यवाद यीशु आपकी अनुग्रह के लिए. Thank you Jesus for making me aware of my need for a savior. और धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे जागरूक किया, मुझे बताया कि मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. If he has not made me aware of that need. और अगर उसने मुझे इस आवश्यकता के प्रति जागरूक ना किया, I would have been a lost soul. तब मैं भी खोए हुए आत्माओं में से एक होता. There is therefore no condemnation for those who are in Christ. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जो हैं उन पर कोई दोष नहीं. Jesus, God did not send his son to condemn you. और इसलिए याद रखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो आपको दोषी ठहरा. God sent his son to save you. लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि वो आपको बचाए. That's why Jesus Christ is the only savior. और इसीलिए यीशु मसीह ही सिर्फ एकमात्र उद्धारकर्ता. Now you will not experience this wonderful thing unless the Holy Spirit himself has drawn you and you heard the voice of God through the preaching of God's people and through the prayers of others. और आप तब तक इस बात का अनुभव नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा खुद आपको अपनी ओर इस बात की ओर ना खींचे और आपने परमेश्वर की आवाज़ को उसके सुसमाचार प्रचार के द्वारा या उसके दासों के मुख से ना सुना. So we heard the voice of God. और हमने परमेश्वर के वचन या उसकी वाणी को सुना. He called us. उसने हमें बुलाया. To come to him. ताकि हम उसके निकट आ जाएं. That is his invitation. और यही उसका न्योता है. Come unto me. कि मेरे पास आ जाओ. All of you who are weary and tired of life. जो बोझ से लदे हुए और थके हुए लोगों. I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Say everybody says God gives me rest. और सब कहें परमेश्वर मुझे विश्राम देता है. You confess it with your mouth. अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करिए. God called me to give me rest. परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि वो मुझे विश्राम दे. Hallelujah. There are so many people here who have such a wonderful testimonies. और ऐसे कई सारे लोग आज की सुबह यहाँ मौजूद हैं जिनके पास अद्भुत गवाहियाँ हैं. How they found real life. कि कैसे उन्होंने सत्य में उस जीवन को पाया. There is peace and there is joy. और वो शांति और आनंद उनके जीवन का भाग. And there is love. और प्रेम उनके जीवन का भाग. People whom we could not love, now we are able to love. और ऐसे लोग जिनसे हम प्रेम नहीं कर सकते थे, अब हम उनसे प्रेम कर सकते. Hallelujah. Hallelujah. My worst enemy can become my best friend. और मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? Yes. Thank you, Jesus. So, now I'm going to talk to you about what God's purpose was. और अब मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बात करूंगा. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. और पहला तस्नोगों की पत्री उसका चौथा अध्याय सातवां वचन. I will read it in English first. मैं अंग्रेजी में इसे पहले पढ़ूंगा.
Hallelujah. God is so good. Parmeshwar bhala hai. Did you all find that reference? 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Pehla Thessalonians ki patri uska chautha adhyay saatva vachan. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God. So be careful. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है. When you hear the call of God through the preaching of God's gospel. और इसलिए जब आप परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में सुनते और महसूस करते हैं उसके सुसमाचार के सुनने के द्वारा. And you don't respond to that call. और उस बुलाहट के प्रति उत्तर नहीं देते. But you reject the call. और लेकिन उसके प्रति इनकार या उसको ठुकरा देते हैं. But still you want the blessings from. लेकिन फिर भी आप आशीषों को चाहते हैं. That is unfair, isn't it? तब ये बात सही नहीं है. That is not good. ये अच्छी बात नहीं है. We come to God only for blessing. और हम परमेश्वर के पास सिर्फ आशीषों के लिए आते हैं. And doesn't want to do what God wants you to do. और उन बातों को नहीं करना चाहते जो परमेश्वर हमसे हमारे जीवन But में चाहता है. But when you reject the gospel call to believe in Jesus. लेकिन जब आप उस सुसमाचार की बुलाहट को जो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए बुलाता है उसका इनकार करते हैं. You are not rejecting a human being. तब याद रखिए आप किसी मनुष्य को इनकार नहीं करते. You are not disobeying me. तब आप मेरे प्रति अनाज्ञाकारी नहीं बनते. You are not rejecting me. आप मुझे इनकार नहीं करते. You are rejecting God Almighty. लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ठुकराते हैं. You are rejecting His call to you. उसके बुलाहट को अपने जीवन में ठुकराते हैं. Come, आओ, and be changed. और तुम बदल जाओ. Receive forgiveness. और अपनी क्षमा को मुझसे पाओ. And deliverance. और छुटकारा को पाओ. And receive your eternal life. और अपने अनंत जीवन को पाओ. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. God is good, isn't it? परमेश्वर भला है. So don't reject God. और इसलिए परमेश्वर का इनकार ना करें. The consequences of rejecting God is, my friends, it is unbearable. क्योंकि परमेश्वर को त्यागने का जो परिणाम होगा वो हमारे सहने के परे होगा. To reject God. कि जब हम परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे. Lord, help me. परमेश्वर मेरी सहायता कर. Not to reject. ताकि मैं तुझे ठुकराऊं ना. My friends. मेरे मित्रों. Reject is not rejecting a human being. और ये इस विषय में नहीं है कि किसी मनुष्य को आपने इनकार कर दिया. But God. लेकिन परमेश्वर का इनकार. The very God. वही परमेश्वर. He who gives you His Holy Spirit. जिसने अपनी पवित्र आत्मा को आपको दिया. Amen. Hallelujah. Do you want to have an evil spirit or Holy Spirit? क्या आप एक दुष्ट आत्मा चाहते हैं अपने जीवनों में या एक पवित्र आत्मा? What do you want? आप क्या चाहते हैं? You want Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा चाहिए. The very word holy shows how beautiful your life can be. और ये जो शब्द है पवित्र यही मात्र इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन कितने सुंदर बन सकते हैं. I am sure many of you must have seen a demon possessed person. मुझे पूरा आशा है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने दुष्ट आत्मा ग्रसित किसी व्यक्ति को जरूर देखा होगा. It's horrible. और ये भयानक परिस्थिति होती है. It is terrible. और ये भयानक होती है. He become violent. और वो जो है हर प्रकार के तीदे के हिंसा करने लगता है. Uncontrollable. और उसका कोई भी उसे संभाल नहीं सकता. When the demon possesses you. और जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अपना कब्जा लेता है. You feel 100 times more strong. तब आप 100 गुना और शारीरिक रूप से शक्तिशाली महसूस करते हैं. You know, we were visiting one of our orphanage in Nainital. और हम अपने एक ऑर्फनेज है जो नैनीताल में है जो हम लोगों के द्वारा चलाया जाता है वहाँ हम गए थे. And there we saw a 2-year-old child. और वहाँ पर हमने एक 2 साल के बच्चे को देखा.
brought from what is that? That near Kashmir, near Jammu, there is a Pathankot is in Punjab. Srinagar. Around that. There is that famous. But anyway, there is a lot of Buddhist there. और वहाँ से जो है कई सारे जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वहाँ से लेकर के आया गया था. धर्मशाला. You all are calling out the name, all of the names except that particular one. और आप उन सारे नामों को बोल रहे हैं लेकिन उस नाम को नहीं जो मैं सुनना चाहता हूँ. It is a valley kind of thing, you know. Ladakh, yes. Ladakh. और लद्दाख से उस बच्चे को वहाँ लाया गया था. And this girl was brought from Ladakh. और इस बेटी को लद्दाख से उस नैनीताल के ऑर्फनेज में लाया गया था. In our orphanage. हमारे नाथालय में. We went visiting there once. और वहाँ पर हम गए मिलने के लिए देखने के लिए सब कैसा चल रहा है. And when we visited. और जब हम वहाँ गए. She was a sweet, beautiful girl. तब वो बहुत ही प्यारी बेटी के समान हमें दिखी. Just 2 years old. सिर्फ 2 साल की. And all of us who went, we all wanted to carry her. और हम में से हर कोई जो वहाँ गया हर कोई उसे उठाना चाहता था. She was so beautiful and sweet. क्योंकि इतनी सुंदर और इतनी प्यारी बेटी थी. You know, when we saw her. जब हमने उसे देखा. After her complete deliverance. हमने उसे देखा उसके पूरे छुटकारा छुड़ाए जाने के बाद. Then they told us her story. तब उसके बाद वहाँ के लोगों ने हमें उसकी कहानी बताई. Even 5 people could not control her. When the demon was possessed. क्यों 5 लोग बड़े वयस्क लोग भी उसे संभाल नहीं पाते थे जब दुष्टात्मा उसके अंदर थी. 2 year old. 2 साल की बेटी. The demons were so powerful. क्योंकि वो दुष्टात्मा इतनी शक्तिशाली थी. It's very difficult to control. तो ये बात बड़ी ही मुश्किल होती है. Who can deliver her? और कौन उसे छुटकारा दिला सकता था? Who can set her free from the clutches of the devil? और कौन उसे शैतान के उस शिकंजे से बचा सकता था? What does the devil want? और शैतान क्या चाहता है? Destroy every child, destroy every mankind before they had an opportunity to know Jesus. और वो यही चाहता है कि वो हर एक मनुष्य को हर एक बच्चे को नाश कर दे इससे पहले कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे. And the devil wanted to destroy her. और वो शैतान चाहता था कि उस बेटी का भी नाश कर दे. Which doctor can deliver her? और कौन सा डॉक्टर उसको छुटकारा दिला सकता? Which injection sir said? और कौन सा इंजेक्शन लगाकर वो चंगी हो सकती थी? Absolutely nothing. ऐसा कुछ भी नहीं था. Except the name of Jesus. लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का नाम. They brought her and kept her. और उसे वहाँ से लाए और उस नाथालय में रखा. And in the name of Jesus. और यीशु के नाम में. Hallelujah. By the mighty power of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य अभिषेक उसके ऊपर. He was completely delivered. और पूर्ण रूप से उसने अपने छुटकारे को पाया. All the demons left her. और सारी दुष्टात्माएं उसे छोड़कर चली गईं. कैसे? By the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. By the authority of Jesus. और यीशु के अधिकार में. Hallelujah. Hallelujah. You know. Jesus has authority over all demons, including the devil, who is the leader of all the demons. और आपको पता होगा कि यीशु के पास अधिकार है सारी बातों के ऊपर, सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर, यहाँ तक कि शैतान के ऊपर भी. You get one marvelous stories. और आप अद्भुत कहानियों को सुन सकते हैं. How? The church began to pray in certain locality. कि कैसे कलीसिया में एक पड़ोस में एक जगह पर प्रार्थना करना शुरू किया. And people in that locality was believing in Jesus. और उस क्षेत्र के लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे. So there was a witchcraft fellow. तो एक लेकिन वहाँ पर ज़्यादा जादू टोना करने वाला व्यक्ति. Wanted to destroy them. और वो चाहता था कि किसी रीति से इस कलीसिया का नाश हो. So he started sending all the demons. और इसलिए सारे दुष्टात्माओं को भेजने लगा. Ultimately, they got so tired. और अंत में वो इतना
थक गया and the fellow who hired this witchcraft fellow और जिस व्यक्ति ने इस जादू टोना करने वाले को किराए पर लिया था he got frustrated वो भी परेशान हो गया got angry with the witchcraft fellow और वो भी उस जादू टोना करने वाले पर गुस्सा करने लगा and you know what he said और आपको पता उसने क्या कहा don't be angry with me अरे अरे साहब आप मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए I have dealt with worse situation than this मैंने तो इससे बुरी बुरी परिस्थितियों का भी सामना किया है and whatever the people who hired me wanted to do this to happen और जिस भी कारण लोग मुझे बुलाते थे जादू टोना करने को सारे काम मैं कर देता था I used to kill people लोगों को मार देता था but here please I can't do anything. लेकिन यहाँ इस स्थान पर मैं कुछ नहीं कर सकता. क्यों? See, there are few people there. क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं. They are praying. वो प्रार्थना कर रहे हैं. They are praying in the name of Jesus. और यीशु के नाम में वो प्रार्थना करते हैं. I can't do anything. और उस नाम के आगे कुछ नहीं संभव. Hallelujah. Hallelujah. The blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा. What a marvelous. और कितना अद्भुत सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में मौजूद है and we hear testimonies like that very often और ऐसी कई सारी गवाहियां कई बार हमें यहां इस वेदी से सुनने को मिलती हैं there were two brothers they are hindu पक्का हिंदूस और दो भाई हैं जो हिंदू पृष्ठभूमि से आते हैं इन चेन्नई चेन्नई में and the younger brother they were living in coimbatore aur wo log coimbatore jo ki tamil nadu mein hai wahan par reh rahe the the younger brother aur jo chhota bhai hai he accepted jesus christ as lord and savior usne prabhu yeshu masih ko prabhu aur udhaarkarta ke roop mein grahan kiya he moved to chennai aur wo chennai aa gaya and his business just prospered like aur uska jo vyavsay tha kaam tha wo achanak se samriddh hone laga and the older brother aur jo bada bhai tha seeing his prosperity uski samriddhi ko dekhte hue he got so jealous of his younger brother usse itna jalne laga he wanted to really kill his brother aur apne chote bhai ko sach mein marwana chahta tha And so he hired all these witchcraft fellows. और इसलिए उसने भी जादू टोना करने वाले इन लोगों को किराए पर लिया. And all these ordinary chota witchcraft fellows started sending demons to the younger brother. और इन सारे जादू टोना करने वाले लोगों ने दुष्ट आत्माओं को भेजना शुरू किया. Nothing happened. कुछ नहीं हुआ. Then फिर he hired the most powerful, popular witchcraft fellow in Tamil Nadu aur fir uske baad unhone Tamil Nadu mein maujood sabse prasiddh aur sabse shaktishali jadoo tona karne wale ko kiraye par liya such people demand lakhs and lakhs of rupees aur aise log kuch kaam karwane ka lakhon mein paisa lete money was no problem aur unke liye paisa koi samasya nahi thi but he told me I want to kill my younger brother lekin wo unhone usse kaha mere chote bhai ko aapko marna hoga so he gave him the address and name and everything aur isliye unko pata naam sari jankari de di And this younger brother who is in Chennai. और ये जो छोटा भाई जो चेन्नई में था. He was attending in our church, Pastor Mohan's church. और ये छोटा भाई हमारे पासवान पास्टर मोहन की कलीसिया का भाग बन भाग में था. Pastor Mohan is a big leader in Assemblies of God. और पास्टर डी मोहन जो है Assemblies of God के बहुत बड़े अगुवे हैं. And today his church has about 70,000. आज के दिन की कलीसिया में 70,000 विश्वासी मौजूद हैं. And it is growing. और वो कलीसिया बढ़ती जा रही है Always growing. और हमेशा बढ़ती जा रही है Every month they have baptism. और हर महीने बपतिस्मे हो रहे हैं And not one or two. और एक और दो बपतिस्मे नहीं But hundreds of them. सौ से ऊपर सैकड़ों की संख्या में बपतिस्मा So this brother was attending that church. और ये भाई छोटा भाई उस कलीसिया का भाग था So that biggest witchcraft fellow came. और इसलिए वो जादू टोना करने वाला व्यक्ति वहां And पहुंचा he says, this is nothing. I'll finish it in और उसने कहा ये तो छोटी सी बात है मैं सेकंड भर में इसको इसकी हत्या कर दूंगा At the end, you know what happened? और आपको पता अंत में क्या हुआ He said, I will finish him in one day. He was finished. और उसने कहा अंत में कि मैं इसको मरवा डालूंगा अंत में उसकी मृत्यु हो गई He finished. उसकी मृत्यु हो गई जादू टोना करने वाले he started sending the most
powerful demon. और उसने जो है बहुत ही शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं को उस छोटे भाई के ऊपर भेजना शुरू किया. The first day the demons went. और पहले दिन वो दुष्ट आत्माएं गईं. And they all came back. वो सारी वापस लौट आईं. Yes, we are helpless. और उस तांत्रिक से कहा, उस ओझा से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते. Then he sent more powerful. और उससे भी शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं भेजी. Nothing happened. कुछ नहीं हुआ. At the end. और अंत में. He sent the most powerful demon he had. उसके पास जो सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्मा मौजूद थी उसे भेजा. And he was sure that his brother will be finished off. और उसे तब तो पूरा पक्का यकीन था कि अब तो ये छोटा भाई मर जाएगा. So this demon was sent. और इसलिए दुष्ट आत्मा भेजा गया. With all the witchcraft power and everything. और सारी वो जादू टोना तंत्र के साथ. He went. वो गया. Roam around the house. और घर के इर्द-गिर्द घूमा. And you know the amazing thing. और अद्भुत बात ये थी. This brother always prayed and he always on his knees he would pray. और ये भाई हमेशा प्रार्थना करता था और हमेशा उसकी आदत थी घुटनों पर बैठकर वो प्रार्थना करता था. Morning. सुबह. Noon time. और दोपहर में. Evening. शाम को. So whenever this demon went there. और जब कभी भी ये दुष्ट आत्मा वहाँ गई. He'll go near the house. उस घर के नजदीक. But beyond a certain there was it seems there was a circle like this. मानिए ऐसा था कि उस घर के चारों ओर एक गोला बना दिया गया और जिसको पार कर कर वो दुष्ट आत्मा उस नहीं जा सकती. And he thought it was a circle made of the blood, some blood. और उसे ऐसा दिखता था कि मानो ये जो गोला है ये लहू से बनाया गया है. Invisible to the human eyes. जो कि अदृश्य है मानवीय आंखों के लिए. But the demons can see. लेकिन दुष्ट आत्माएं उसको देखती हैं. And his brother always on his knees. क्योंकि उसका भाई हमेशा अपने घुटनों पर दुआ करता है. Praying for his family. अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है. Praying for his unsaved brother. अपने जो ना बचाए गए जब जिन्होंने उद्धार नहीं पाया था उनके लिए प्रार्थना करता है. Hallelujah. Hallelujah. He did not know what was happening. और उसे नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है. This most powerful demon. ये सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्मा भी he could not step over the blood of Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर पैर रखकर पार नहीं करने पाया. So he went back. और से ये दुष्ट आत्मा वापस उस ओझा के पास गई. And the fellow asked what happened? और उस तांत्रिक ने पूछा क्या हुआ? You know this tantric converse with the evil demon spirit and all that. और आपको पता है कि ये तांत्रिक ओझा दुष्ट आत्माओं के संग बातचीत करते हैं. The spirit told him. और दुष्ट आत्मा ने उसे बताया. I could not enter into his house. मैं उसके घर में नहीं घुस पाया. Why? क्यों? One thing. This younger brother is always on his knees. क्योंकि ये छोटा भाई हमेशा अपने घुटनों पर प्रार्थना कर रहा है. Praying to Jesus. और यीशु मसीह से प्रार्थना करता रहता है. And then his house is surrounded by the blood of Jesus. और उसका घर चारों ओर प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ है. No demons, no evil forces can ever cross the blood. और कोई भी दुष्ट की आत्मा या कोई भी बुरी बात उस घेरे की उस तरफ नहीं जा सकती. That is the blood with which you are covered. और उसी लहू के द्वारा आपको भी ढका गया है. Hallelujah. Hallelujah. At last they all gave up. और इसलिए उन सब ने हार मान ली. When you are covered with the blood of Jesus. और जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढके हुए हैं. That blood is invisible to the demons and the devil world. और वो लहू दिखता है इस दुष्ट आत्माओं को शैतानी शक्तियों को. They become weak. वो कमजोर हो जाती हैं. That's why I say, always make sure that in the morning you apply the blood of Jesus Christ around your home, house, around your family, around your job, anything that you have. और इसीलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ सुबह उठकर आप जरूर प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने घरों पर अपने परिवार के लोगों पर अपने काम जो भी कार्य आप करते हो जरूर उन बातों पर उसे घेरे में लाएं. बाइबल सेज क्योंकि बाइबल बताता है. There are two weapons God has given in the hand of the church. क्यों दो ऐसे हथियार हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया के हाथ में दिए हैं. And who is the church? और कलीसिया कौन है? You are the church. आप हैं कलीसिया. I am the church. मैं भी कलीसिया. Hallelujah. Hallelujah. What are these two weapons? और ये दो हथियार क्या हैं?
The blood of Jesus, प्रभु यीशु मसीह का लहू, and the word of God, और परमेश्वर का ये जीवित वचन, and the Bible says, और बाइबल इस बात को बताता है, they overcome the devil by the blood of the Lamb and by the word in their testimony, the book of Revelation. कि वो शैतान के ऊपर उन्होंने विजय पाया उस मेमने के लहू के द्वारा और उनकी गवाही में मौजूद परमेश्वर के वचन के द्वारा. Do you have a testimony filled with the word of God? क्या आपके पास एक ऐसी गवाही है जो परमेश्वर के वचन से भरी हुई है? Hallelujah. Hallelujah. Do you trust in the blood of Jesus? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर भरोसा रखते हैं? It is a living blood. क्योंकि एक जीवित लहू है. And the blood speaks. और ये लहू बात करता है. And the blood is so powerful. और ये लहू इतना सामर्थी है. That demons and the devil himself is so scared of the blood of Jesus. कि ये दुष्ट आत्माएं और शैतान खुद इस लहू से डरते और कांपते हैं. That's why when we deal with the demon possessed people. और इसलिए जब हम एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के संग सामना करते हैं. We first use and apply the blood of Jesus Christ. और इसलिए पहले हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसका सामना करते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Don't use your own weapon. अपने हथियारों का आप काम ना लाएं. Don't simply say in the name of Jesus get out. और यीशु के नाम में बाहर निकल ऐसा कहने का किस ऐसा धारण रूप से मत कहना. It is by the blood of Jesus. क्योंकि ये तो यीशु मसीह का लहू है. And you make sure that every day as you step out of your house apply your life yourself with the blood of Jesus. और इसीलिए इस बात को सुनिश्चित करें प्रतिदिन जब आप अपने घरों से निकलें प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके जीवनों पर पाया जाए. Lord, you shed your blood. प्रभु आपने अपने लहू को मेरे लिए बहाया. And that blood is powerful. और वो लहू सामर्थी है. Lord, हे प्रभु, I bring myself under your blood. और मैं अपने आप को तेरे लहू के अधीन ले आता हूँ. Amen. Amen. And then the word of God. और परमेश्वर का वचन. What does the Bible says about the word of God? बाइबल परमेश्वर के लहू के विषय में क्या कहता है? It is the sword of the spirit. और ये तो आत्मा की तलवार है. So when you believe every word in this book. और जब आप इस बाइबल में मौजूद हर एक शब्द और वचन पर विश्वास करते हैं. When we read the word. और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं. You are hearing the voice of God. तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं. It is a message for you. और एक संदेश आपके लिए है. Apply the word. उस वचन को अपने जीवन में लगाएं. Every situation you can apply the word. और हर एक परिस्थिति के लिए आप वचन को वहां पर. Every temptation. हर एक परीक्षा के लिए. The blood of the word of God. परमेश्वर का वचन. Hallelujah. Hallelujah. I am the Lord who heals you. और वो कहता मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगा करता है. Lord, I take that healing. और मैं उस चंगाई को लेता हूँ. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. That is what the word says. यही बात वचन बताती है. Your father and mother may reject you and forsake you. तेरे माता और पिता तुझे तिरस्कार कर सकते हैं, तुझे त्याग सकते हैं. But your word says, Lord. लेकिन तेरा वचन ये कहता है प्रभु. You will never forsake me. तू मुझे कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा. Amen. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति. Lift up our hands and praise the Lord. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें. Always remember. हमेशा याद रखिए. To apply the word of God. परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें. The word of the Lord says. परमेश्वर का वचन कहता है. There is no condemnation for those who are in Jesus Christ. वो जो प्रभु यीशु मसीह में हैं अब उनमें कोई दोष नहीं. So I am in Jesus Christ. और इसलिए मैं यीशु मसीह में हूँ. Hallelujah. Hallelujah. And so I am not condemned. और इसलिए अब मैं दोषी नहीं हूँ. He has delivered me. उसने मुझे छुटकारा दिया. But we must remain in Him. लेकिन हमें उसमें बने रहना है. We must continuously worship Him. हमें निरंतर उसकी आराधना को करना है. And we must trust Him. हमें हमेशा उस पर भरोसा रखना है. Don't mix your faith with any other practices of other religion. अपने विश्वास को दूसरे धर्मों के बातों और गतिविधियों में मिलाए नहीं. Because God will not share His glory with anybody. क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को किसी दूसरे के संग नहीं. I have a teaching that I would like to teach all of you who are trying to follow Jesus Christ. और एक ऐसी एक शिक्षा है जो मेरे पास मैं आप सबको देना चाहता हूँ जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं. But I have to have exclusively such people. I cannot say everything in public. क्योंकि मेरे लेकिन मेरे पास वही लोग होने चाहिए जो सच में सीखना चाहते हैं क्योंकि सार्वजनिक रूप से वो शिक्षाएं मैं ऐसे नहीं दे सकता. Here what do we read? और यहां पर किस बात को हम पढ़ते हैं? God has called you for a purpose. परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ बुलाया है.
And to fulfill that purpose is your responsibility. और उस उद्देश्य को पूरा करना ही आपकी जिम्मेदारी है. What is that purpose? और वो उद्देश्य क्या है? What did we read here? और किस बात को हम यहाँ पढ़ते हैं? For God did not call us to be impure. क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम अशुद्ध हो जाएं. Say everybody say. हर एक जन इस बात को कहे. God has called me. परमेश्वर ने मुझे बुलाया है. He has not called me to be unholy. उसने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अशुद्ध हो जाऊं. Okay. Hallelujah. Hallelujah. But why did He call you and me? लेकिन क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया? To live a holy life. ताकि हम एक पवित्र जीवन जीने पाएं. To live a holy life. ताकि एक पवित्र जीवन जीने पाएं. Say it with your mouth. अपने मुंह से इस बात को बोलें. A holy God. एक पवित्र परमेश्वर. Come on, बोल. एक पवित्र परमेश्वर मुझको बुलाया कि मैं पवित्र हूँ. To live a holy life. एक पवित्र जीवन जी. That is God's purpose in calling you. और यही परमेश्वर का उद्देश्य है आपको बुलाने के लिए. See, my friends, God has not called us just to be healed of a backache and a toothache or headache. और याद रखिए मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हमारे दांत दर्द, पीठ दर्द को चंगा करे. He came to die for you and shed His blood for the remission of your sin. लेकिन वो तो इसलिए आया कि आपके पापों के खातिर वो बलिदान हो और अपने लहू को बहाया कि अपने पापों से आप छुटकारा पाएं और आपको शुद्ध कर दे and give you a new life. और आपको एक नया जीवन दे. Hallelujah. Hallelujah. So that you will be in heaven with this holy God forever and ever and ever and ever. ताकि आप इस पवित्र परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में पाए जाएं युगानुयुग के लिए. होली लाइफ. एक पवित्र जीवन. यू कैनॉट मिक्स विद दिस होली लाइफ विद एनी अदर काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस. और याद रखिए, इस पवित्र जीवन को आप मिला नहीं सकते किसी दूसरी धार्मिक गतिविधि या बातों के संग. इवन क्रिश्चियनिटी, यहाँ तक कि ईसाइयत भी. देयर इज अ क्रिश्चियन रिलीजन इन दिस वर्ल्ड. एक इस संसार में एक ईसाइयत एक धर्म है. दैट इज नॉट ऑफ गॉड. ये परमेश्वर का नहीं. There is no worship of anything else or anyone else. और किसी दूसरी वस्तु या किसी दूसरे बात की आराधना है ही नहीं. When you participate with that kind of thing, और जब आप ऐसी बातों या गतिविधियों में भाग लेते हैं, then you will never be a victorious Christian. तब आप कभी भी उसके संग पूरा भाग नहीं बन सकते. So make sure that you don't mix your faith with any other kind of faith. और इसलिए इस बात को सुनिश्चित करें कि अपने विश्वास को किसी दूसरे धार्मिक गतिविधियों के संग ना जोड़े या ना मिलाएं. Keep yourself away from all that. अपने आप को इन दूसरी बातों से अलग रखें. It may cost you your life. हो सकता है कि आपको अपना जीवन भी देना पड़े. But remain true to God. लेकिन अपने परमेश्वर के प्रति सत्य बने. What is God's purpose? और उद्देश्य क्या है? By living a holy life, एक पवित्र जीवन जीने के द्वारा, you may have a part in the kingdom of God. ताकि आप भी परमेश्वर के साम्राज्य के भाग बन जाएं. You may live forever and ever with Jesus. और आप युगानुयुग अनंत तक परमेश्वर के संग यीशु मसीह के संग रहें. That is what. और यही उद्देश्य है. And living that kind of life, और ऐसा जीवन जीने के लिए, ultimately, अंत में, you will be like Jesus. आप यीशु के समान बन जाएंगे. That is God's purpose. और यही परमेश्वर का उद्देश्य है. To be like Jesus. कि हम यीशु के समान बन जाएं. I can go to that life. और मैं उस जीवन में जा सकता हूं. Even without a leg. एक बिना पैर ना भी हो तब भी मैं उस साम्राज्य में जा सकता हूं. Until I die. जब तक मैं ना मरूं. I can die as a very sick man. हो सकता है एक बड़े साधारण व्यक्ति के रूप में मेरा मृत्यु हो. And God has not healed me. और परमेश्वर ने मुझे शारीरिक रूप से चंगा नहीं किया. Hallelujah. Hallelujah. But still I cling on to Him. लेकिन फिर भी मैं उसे थामे रहूंगा. You know, in the Old Testament, जैसे पुराने नियम में, there is a man who came to God. एक ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर के पास आया. And then he, after God's dealing with him, और परमेश्वर ने जब उसके संग अपना जब बातचीत वार्तालाप किया, he went back sick. और वो वापस बीमार होकर. You don't believe that, do you? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं?
That after meeting with God, he went back sick. और वो परमेश्वर के संग मुलाकात कर वो जो है बीमार होकर के निकले. He was physically perfect and healthy. शारीरिक रूप से तो वो स्वस्थ था और शारीरिक रूप से हस्त पुष्ट था. Then on the way, लेकिन रास्ते में God met him. परमेश्वर ने उससे मुलाकात की. And God started wrestling with this man. और परमेश्वर ने उससे लड़ना शुरू किया. And till morning he wrestled and wrestled and wrestled. और सुबह तक वो परमेश्वर के संग लड़ता रहा. And in the process, और उस प्रक्रिया के दौरान, God touched his hip bone. परमेश्वर ने उसने कूले की हड्डी को छुआ. And dislocated his hip. और उस हड्डी को उस स्थान से हटा दिया. Do you believe that? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? What do you believe? आप क्या विश्वास करते हैं? You believe, oh, if I go to Jesus, all my sickness will run away and all my. आप तो ये विश्वास करते हैं, अगर यीशु के पास जाऊंगा तो सारी बीमारी, सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे. I'll be perfect in health. और मैं स्वास्थ्य में सिद्ध हो जाऊंगा. I will do so great things. और मैं बड़ी-बड़ी बातों को करूंगा. And he struggled and struggled. और उसने भी बड़ा प्रयत्न किया. And he came to a position where he was not able to even stand on his feet. लेकिन वो एक ऐसे स्थान पर अंत में आ गया जाकि वहां अपने पैरों पर भी वो खड़ा नहीं हो सके. If your hip bone is dislocated, और अगर आपकी कूले की हड्डी उसके स्थान से हट जाए, you won't be able to lie down even comfortably. तब आप सही रीति से लेट भी नहीं पाएंगे. How will you stand? आप कैसे खड़े होंगे? He found out that he was not able to stand. और उसने इस बात को जाना कि वो खड़ा भी नहीं no हो सकता. No longer he was not able to wrestle. और अब वो लड़ नहीं सकता परमेश्वर के संग. What kind of God is this? और ये कैसा परमेश्वर? Look at what he has done for me. उसने मेरे संग देखो क्या कर दिया. He is no good. और वो भला नहीं है. No, I'm not going to believe in him. और अब मैं इस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करूंगा. Did he say that? क्या उसने ऐसा कहा? If he has left God and run away or escaped, अगर मान लीजिए वहीं परमेश्वर को छोड़ वहां से भाग जाता, he would ever remain a cursed man. तब वो हमेशा एक श्रापित मनुष्य रहता. No, he didn't deny. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. You know what he did? आपको पता है उसने क्या किया? When you knew he was not able to stand, जब उसको ये पता चला कि अब वो खड़ा नहीं रह सकता, fight with this God, और परमेश्वर के संग लड़ नहीं सकता, he dragged himself very close to God, और उसने अपने आप को बड़ा नजदीक घसीटता हुआ परमेश्वर के संग, परमेश्वर को पकड़ लिया, came closer to God, और उस परमेश्वर के निकट आया, and clung on to God, और उसको थाम लिया, he won't leave, और उसे छोड़ा नहीं, and God said, और परमेश्वर ने कहा, Jacob, I want to go, you leave me, कि याकूब अब तू मुझे छोड़ दे, and you know what he said, और याकूब को पता है क्या कहा? Unless you bless me, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, I will not leave you, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. Unless you bless me, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, I will not leave. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. So what blessing was he? तो ये आशीष क्या थी? Healing him? क्या उसे चंगा किया? No. नहीं. God's blessings has nothing to do with the physical healing or physical prosperity or becoming rich and this and that. और परमेश्वर का जो आशीष है वो ये धनवान होना, जो सांसारिक समृद्धि या धन है, इस विषय में नहीं है. God's blessing has to do with your relationship with God. लेकिन परमेश्वर का जो आशीष है वो तो आपका रिश्ता कैसा है परमेश्वर के संग, इस विषय में है. Hallelujah. Hallelujah. He wants you to be holy. और वो चाहता है कि आप पवित्र बने. You know what the Bible says there? और आपको पता है वहाँ पे बाइबल क्या कहता है? After everything was over. जब ये सारी प्रक्रिया या पूरा जो घटना थी खत्म हो गई. The angel of the Lord left. वो परमेश्वर का सरदूत वहाँ से चला गया. And David was left all alone. और याकूब वहाँ पर अकेला था. And it was all happening in a stream. और ये सारी बात जो है एक झरने या एक नदी के किनारे हो रहा. And Joseph, I mean Jacob came out of the stream. और वो याकूब वहाँ से बाहर निकला. And he started walking towards where his families and properties were. और वो उस स्थान की ओर जाने लगा जहाँ उसके परिवार के लोग और उसकी संपत्ति मौजूद थी. And as he was walking, और जैसे वो चल रहा था, you know how he was walking? आपको पता है वो कैसे चल रहा था? When he arrived there, जब वो उस स्थान पर पहुंचा था, he was like this. वो तो ऐसे चौड़ा होकर चल रहा था. He was ready to fight with God. वो तो तैयार था कि परमेश्वर के संग भी लड़ ले. Wrestle with God. परमेश्वर के संग लड़ाई करे. You know how he left? आपको पता है लेकिन उस लड़ाई के बाद वो वहां से गया कैसे?
लंगड़ाते हुए वो स्थान से निकला. He met with God. उसने परमेश्वर से मुलाकात की. As a strong man physically. और एक शारीरिक रूप से बड़ा स्वस्थ और मजबूत व्यक्ति के रूप में. But when he left that place. लेकिन जब वो उस स्थान को वहाँ से छोड़कर निकला. After meeting with God. परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद. That strong man. वो जो शारीरिक रूप से बलवंत व्यक्ति था. लंगड़ा. वो एक लंगड़ा बन गया. So what was the blessing he was seeking? तो कौन सी आशीष के पीछे वो था? There is a blessing that goes much beyond physical healing. और एक ऐसी आशीष है जो शारीरिक चंगाई के परे है. And there the Bible says. और वहाँ पर बाइबल कहती है. And there God blessed him. वो वहाँ पर परमेश्वर ने उसे आशीष दिया. Hallelujah. 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 And the Bible says. और बाइबल कहता है. The rest of his life. उसके बचे हुए पूरे जीवन भर. He carried that limp. वो लंगड़ापन को अपने संग लेकर के. So every time his children and his wives they saw him. और हर बार जब उसके बच्चों और पत्नी ने उसे देखा. What was that limp? वो क्या वो जो कूले की हड्डी थी वो क्या थी? That was the mark of God's touch. वो तो एक चिन्ह था कि परमेश्वर ने उसे छुआ है. And he was blessed. और वो आशीषित हुआ है. He was blessed in the same place he was broken. और जिस स्थान पर उसे तोड़ा गया उसी स्थान पर उसे आशीषित किया गया. When you seek God's blessing. और जब आप परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं. If you really want to be blessed with that divine blessing that will carry you through not only in this life but it will carry you into His very presence. और अगर आप सच में उस स्वर्ग की आशीषों को चाहते हैं जो केवल ना आपको इस संसार में लेकर के चले लेकिन उस स्वर्ग की ओर बढ़ाता ले जाए. You may walk into that presence of God. As a langada. हो सकता है आप उस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में एक लंगड़े के समान जाएं. But the moment you are beholding God. लेकिन उस क्षण को के देखिए जब आप परमेश्वर को देखेंगे. Your limb is gone. और आपका वो लंगड़ापन भी चला जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. Until then. लेकिन तब तक. No matter what happens. ये मायने नहीं रखता क्या हो. Remain faithful to God. परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य बने रहें. And grow in the holiness of God. और परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ते चले जाएं. Amen. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. 2 Timothy chapter 2 verse 22 says. दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय. Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुनिए. Flee the evil desires of youth. दूसरा अध्याय 22वां वचन जवानी की अभिलाषाओं से भाग. This is for the youth. और ये जवानों के लिए है. There are so many evil desires that the youth go through. ऐसे कई सारे बुरी अभिलाषाएं हैं जिसके पीछे जवान भागते हैं. The Bible says. और बाइबल बताती है. Flee. कि इन अभिलाषाओं से भागो. Whatever is attracting you. और जो बातें आपको अपनी ओर खींचती हैं. The devil will use that attraction to destroy you. क्योंकि वो शैतान उन खींचने वाली बातों का प्रयोग करेगा आपका नाश करने के. Therefore. इसलिए. Whatever is attracting you. ऐसी जो भी बातें जो अभिलाषा बनकर आपको खींचती हैं. Don't stay on in that place. उस स्थान पर ना बने रहें. Flee. उस स्थान से भाग जाएं. Run away from that place. उस स्थान से भाग जाएं. Flee the evil desires of youth. जवानी की अभिलाषाओं से बुरी अभिलाषाओं से भागो. And pursue righteousness. और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं. Faith. और धर्म और विश्वास. No, just say what I am saying. Pursue righteousness. और धार्मिकता की खोज करें. And pursue faith. और विश्वास के पीछे दौड़े. Pursue love. और प्रेम के पीछे दौड़े. And peace. और शांति के पीछे दौड़े. Along with those who call on the Lord out of a pure heart. उनके संग जो प्रभु के नाम को एक सच्चे हृदय से लेते हैं. When you call on God for some need. जब आप परमेश्वर के नाम को किसी आवश्यकता के लिए पुकारते हैं. Whether it is healing or anything else. चाहे वो चंगाई हो या कोई और आवश्यकता. Make sure that your heart is pure. इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपका दिल शुद्ध हो. Lord, keep my heart pure. हे परमेश्वर मेरे हृदय को शुद्ध रख. Hallelujah. Hallelujah. You pray that prayer. इस प्रार्थना को आप करिए. Lay your right hand on your heart. अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखिए. And lift your hand towards God. और अपने बाएं हाथ को परमेश्वर की ओर.
and say, Lord, Parmeshwar, keep my heart pure. Mere hirday ko shuddh rakh. With that pure heart, aur us shuddh hirday ke saath, you come to God. Aap Parmeshwar ke nikat aaiye. Sincerity is there. Aur sachchai wahan par hogi. It is because many people want God's blessing and with that impure desire they come. क्योंकि कई सारे व्यक्ति तो ऐसे हैं जो परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं लेकिन एक अशुद्ध हृदय के साथ. There is no guarantee that you will be blessed. और ऐसा कोई भी सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आपके संग ऐसा होगा. But when there is sincerity in your लेकिन heart, जब सच्चाई वहां मौजूद होगी, a pure heart, एक शुद्ध हृदय होगा. Lord, I am yielding myself to your will. परमेश्वर मैं अपने आप को आपकी इच्छा के लिए देता या देती हूं. God's will is for you to be healthy. और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए स्वस्थ होने की है. So that you can serve him. ताकि आप उसकी सेवा करने पाए. Amen. Amen. One day the psalmist prayed. और एक दिन भजन लिखने वाले ने इस प्रकार की प्रार्थना को किया. For what? किस लिए? He was praying for a spiritual healing. और एक आत्मिक चंगाई के लिए वो प्रार्थना कर रहा था. Lord, open my eyes. परमेश्वर मेरे आँखों को खोल. Which eyes? कौन सी आँखें? The inner eyes. जो अंदरूनी या जो दिलों की आँखें हैं उनको खोल. And God asked, Why should I heal you? और परमेश्वर ने पूछा मैं तुझे क्यों चंगा करूँ? What will you do with that healing? और तू उस चंगाई के संग करेगा क्या? You will run away with that healing, dancing. I am healed. क्योंकि तू तो चंगा हो करके नाचता हुआ चला जाएगा, चिल्लाता हुआ कि मैं चंगा हो गया. And forget the healer. और उस चंगा करने वाले को भूल जाएगा. Ayo, let it not happen. ऐसा ना होने दे. Only as you continue to remain in Jesus Christ, you will be able to continue to enjoy the healing as well. जब आप निरंतर प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तब निरंतर आप उसकी आशीष का अनुभव करेंगे. If not, अगर ऐसा नहीं है, that healing you received may leave you. हो सकता है वो चंगाई जो आपने पाई वो आपको छोड़कर चले जाए. That is what is happening with many people. और ऐसा ही आज के दिन कईयों के संग होता है. Oh, we prayed. हमने प्रार्थना करी. And घर गया. दो तीन दिन सब कुछ सही रहा. अभी फिर दोबारा आ रहे, क्या पता नहीं. In these 2-3 days, what did you do with Jesus? और इन दो तीन दिनों में आपने यीशु के संग क्या किया? You are enjoying the healing. आप उस चंगाई का आनंद उठा रहे हैं. Eating everything you can. सब कुछ खा रहे हैं जो खा सकते हैं. You are celebrating all other festivals except Jesus's. हर एक पर्व को मना रहे हैं इसके बजाय यीशु मसीह को. Be careful. इसलिए सावधानी बरते. He says, flee. Because God has called you to live a pure life. और वो कहता है कि उन बुरी अभिलाषाओं से भागो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें शुद्ध जीवन जीने के लिए बनाया. What is sin? और पाप क्या है? Sin is anything that blocks the presence of God with you. और पाप ऐसी एक कोई भी बात है जो परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में रोकती है. You understand? क्या आप इस बात को समझते हैं? So make sure that you don't do anything you don't think anything that is contrary to God's will. और इसलिए हमेशा इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप ऐसी बातों को ना करें ना सोचें जो परमेश्वर के विरुद्ध हो. God has put tremendous potentials in you. परमेश्वर ने अद्भुत बातों और सामर्थ को आपके अंदर सौंपा. To be a mighty witness for God. ताकि आप परमेश्वर के लिए एक सामर्थी गवाह ठहरने पाएं. But reaching our full potential begins with a pure heart. लेकिन अपने सबसे उच्चतम स्तर पहुंचना शुरू तब होगा जब हम सच्चे हृदयों के संग परमेश्वर के निकट. Listen carefully. Pure heart means. और शुद्ध हृदय का मतलब ये है. Having a pure hand. एक शुद्ध हाथ होना. And a pure lips. और शुद्ध मुख होना. Nothing unclean should come out of your lips. और कोई भी अशुद्ध बात आपके मुख आपके होठों से नहीं निकलनी चाहिए. Cursing. श्राप देना. Using bad language. अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करना. And gossiping. और ठट्टा उड़ाना या लोगों के बीच गलत बातें करना. Criticizing and complaining. दूसरों की को लेकर शिकायत करना है, दूसरों को लेकर गलत बातें उनके विषय में. Don't criticize. एक दूसरे की आलोचना ना करें. गो टू दैट पर्सन. लेकिन उस व्यक्ति के पास जाइए. एंड टेल हिम ब्रदर दिस इज नॉट गुड. और उस व्यक्ति से सीधे बोलिए कि भाई ये बात गलत है.
help him to उसकी सहायता करिए कि वो वापस सही मार्ग पर आ जाए। going to a third person and इसकी बजाय कि आप तीसरे के पास जाकर उस दूसरे भाई की मजाक बनाएं या उसके विषय में गलत बातें करें। That's what we usually do. और ऐसा ही हम ज्यादातर करते हैं। That's very bad. और ये गलत है। If you have a complaint against me, और अगर आपके पास मुझे लेकर कोई शिकायत, I am the one who should know it. इसलिए मैं वो व्यक्ति हूँ जो शिकायत को जानना जरूरी है। Coming to me, और अगर मेरे पास आप आ रहे हैं, you are going to Mr. So and So, Mrs. So and So. लेकिन मेरे पास आने की बजाय आप किसी और के पास जा रहे हैं। You know, Padri Mathai. क्या आप पास्टर मथाई को जानते हैं? अरे, you be careful of him. अरे उससे उनसे बच के रहिएगा। Yeah, that is true. और ये सत्य है। हालेलुया। माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, गॉड वांट्स टू ब्लेस यू ट्रेमेंडसली। परमेश्वर चाहता है कि वो अद्भुत रीति से आपको आशीषित करे। एंड द बेस्ट वे टू मेंटेन अ प्योर हैंड्स एंड अ प्योर लिप्स एंड अ प्योर हार्ट is maintain a clean heart is by meditating on scriptures. और एक सबसे अच्छा तरीका जिसके द्वारा हम शुद्ध हाथों को, शुद्ध मन को, शुद्ध हृदय को बना करके रख सकते हैं, वो है परमेश्वर के वचन पर मनादी या उस पर मनन करने के द्वारा। One more thing, I will close it. और एक और बात और मैं रुक जाऊंगा। And maybe I will continue with like that because this is a good lesson, isn't it? क्योंकि अच्छी शिक्षा है, हम इसको जारी रखेंगे। God has called us to be holy. परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। And one thing I want to say about the scriptures. और एक बात मैं वचन के विषय में कहना चाहता हूँ। Scripture, the Bible acts like a mirror. और याद रखिए, ये बाइबल हमारे लिए एक शीशे के समान है। When you want to see your face, जब आप अपने मुख को, चेहरे को देखना चाहते हैं, and your nose, और अपनी नाक को, and your hair, और आपके बालों को, I mean head, या आपके सर को, when you want to see all this, और जब आप इनको देखना चाहते हैं, and how you look like, और कैसे आप दिख रहे हैं, praise the Lord, where do we go? हम कहाँ जाते हैं? You go in front of a mirror. और हम शीशे के सामने जाते हैं। And the mirror always tells the truth. और वो शीशा हमेशा सच बताता है। Mirror does not lie. क्योंकि वो शीशा झूठ नहीं बोलता। Many people look in the mirror, they don't like the way they look. और कई लोग शीशे में देखते, उन्हें अच्छा नहीं लगता वो कैसे दिखते हैं। And break the mirror. और वो शीशे को तोड़ देते हैं। अरे, don't break the mirror. और अरे शीशे को मत तोड़िए। By breaking the mirror, your look will not change. क्योंकि शीशा तोड़ने से आपका चेहरा नहीं बदलेगा। You thank God, thank the mirror. और उस शीशे का धन्यवाद करिए। Thank you, mirror, for telling me the truth. और शीशे का धन्यवाद करिए कि आपने मुझे सत्य बताया। Now I know what to do in order to look better. अब मुझे पता है कि अच्छा और दिखने के लिए मुझे क्या करना है। And then you try to do something about it. और आप उस विषय में कुछ करते हैं। The word of God is like a mirror. परमेश्वर का वचन एक शीशे के समान है। Which we In the mirror we see ourselves. और उस शीशे में हम अपने आप को देखते हैं। The word of God will help you to see ourselves as God sees us. और परमेश्वर का वचन आपको देखने में सहायता करेगा अपने आप को जैसा परमेश्वर आपको देखता है। We don't like it. हम इस बात को पसंद नहीं करते। But God's word tells us the truth. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सत्य बताता है। It is for our good. और ये हमारे भले के लिए है। That we may correct ourselves. ताकि हम अपने आप को सही करें। And do everything that will make us beautiful in the sight of God. और हर एक उस बात को करें जो परमेश्वर की नजरों में हमें सुंदर ठहराए। How does God see you? परमेश्वर कैसे आपको देखता है? How does God see you? परमेश्वर आपको कैसे देखता है? Ask yourself that question. अपने आप से इस सवाल को जरूर पूछिए। How does God sees me? कैसे परमेश्वर मुझे देखता है? Is he pleased? क्या वो खुश होता है? Or is he going to condemn me? या वो मुझको दोषी ठहराएगा? You remember the seven letters in the book of Revelation? क्या आपको उन सात कलीसियाओं के विषय में याद है जो प्रकाशित वाक्य में पाई जाती हैं? God told all these churches exactly the way He saw
और परमेश्वर ने सातों कलीसियाओं को वैसा ही बताया जैसा वो उन कलीसियाओं को देखता है. एंड इन द मिरर ऑफ गॉड्स वर्ड, और परमेश्वर के वचन के शीशे में, वी सी क्लियरली एरियाज वेयर वी हैव बीन फेथफुल. हमें उन स्थानों का पता चलता है जहां पर हम विश्वासी योग्य ठहरे. एंड एरियाज वेयर वी हैव फेल्ड, और ऐसे स्थान भी जहां हम असफल ठहरे हैं. That's how you must confront the word of God. और इसीलिए इस वचन का आमना सामना करना जरूरी है. The word of God tells you. क्योंकि परमेश्वर का यह वचन हमको बताता है. Amen. Amen. And that will help us to have a genuine repentance. और ये हमारी सहायता करेगा एक सच्चे मन फिराने के. And that genuine repentance brings God's forgiveness. और ये सच्चा मन फिराना परमेश्वर की क्षमा और माफी को हमारे जीवन में लाएगा. And it brings God's cleansing. और वो परमेश्वर के शुद्ध करने को हमारे जीवनों में लाएगा. Amen. Amen. You know why? आपको पता है क्यों? The heart represents the seat of our mind, क्योंकि ये हृदय दर्शाता है हमारे मनों के सिंहासन, and the seat of our will, और हमारी इच्छा शक्ति के सिंहासन, and the seat of our emotion, और हमारी भावनाओं के सिंहासन को. The Lord calls sinners to repentance, लेकिन परमेश्वर बुलाता है पापियों को मन फिराने के लिए. And he calls saints to the fellowship, और वो संतों को सहभागिता के लिए बुलाता है. And the lost to judgment. और वो जो खोए हुए जिन्होंने इनकार किया उनको न्याय के लिए बुलाता है. He wants you to grow from holiness to holiness. और वो चाहता है कि आप पवित्रता से पवित्रता में बढ़ते चले जाएं. Glory to glory. महिमा से महिमा की ओर. And that's how we can go from victory to victory. और इसी रीति से हम जयवंत से जयवंत की ओर बढ़ सकते हैं. Let's all stand. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. God has spoken to you. परमेश्वर ने आज की सुबह आपसे बात किया. And we will continue this, God willing, next Sunday. और अगले रविवार को हम शिक्षा को जारी रखेंगे. This is God's plan for you. और यही परमेश्वर की योजना है आपके लिए. Grow in holiness. कि आप हम पवित्रता में बढ़ते चले जाएं. I am holy. क्योंकि मैं पवित्र हूँ. So I want my people to be holy. और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग भी पवित्र. I want my children to be like me. मेरे बच्चे मेरे समान ठहरें. And when we thus grow in holiness. और तब हम जब पवित्रता में बढ़ते चले जाते हैं. We shall be like him. हम उसके समान हो जाएंगे. It is for all of us.